रहीकम व्यूअर्स वेलकम टू जिमल्स की मैं मूँ ज़िमल उम्मीद कर कि आप खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ आज मैं आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार चिकन दाल चना की रेसिपी देने जा रही हूँ इतहाई मज़ेदार जो है ये दाल चना जो है इसका टेक्स्चर ठीक सा बनाने के लिए देखते हैं हमें इसको मज़ेदार और बनाने की किन चीज़ों की ज़रूरत है यहाँ पर वन एंड हाफ के जी हम लोग चिकन लेंगे इसके अंदर हम लोगों ने ऐड करनी है यह है मसर की दाल यह है टू फिफ्टी ग्राम्स के बराबर इसको एक घंटा पहले भिगो कर रख लिया था यहाँ एक बहुत बड़े साइज़ का हम लोगों ने प्याज लेना है यहाँ पर हम लोगों ने तकरीबन लसन लेना है टेबल स्पून में टू टेबल स्पून तो होगा तो तकरीबन यहाँ पे दो हम लोग बड़े साइज़ के लेंगे टमाटर यहाँ पे चने के दाल थ्री हल्ड्री ग्राम के लोग दो घंटा पहले इसको भिगो कर रख लिया था तो यहाँ पे लेंगे वन टेबल स्पून नमक वन टेबल स्पून रेड चिली पाउडर वन टेबल स्पून धनिया पाउडर वन टीस्पून स्पून हल्दी वाइस अपने टेस्ट के हिसाब से कभी ज़्यादा कर लीजिएगा मज़ेदार सी जो है चिकन दाल चौरा बनाने के लिए हमें जो है इन चीज़ों की ज़रूरत है नेक्स्ट हम की तरफ चलते हैं सबसे पहले प्रेशर कुकर के अंदर हम लोग कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे तकरीबन तो हाफ कप और इसके अंदर हम हम लोग ये ऐड कर देंगे प्याज और इसको हम लोग बिल्कुल लाइट सा गोल्डन कर देना है लाइट सा गोल्डन होने तक जो है इसको हम लोग जो है फ्राई करेंगे तो साथ ही यहाँ पे हम लोगों ने ले देना है जी जूसरे का जग जूसरे के जग के अंदर हम लोगों ने ऐड कर देना है ये जो है टमाटर साथ इसके अंदर लहसुन ऐड कर देना है और जो प्याज हम लोग सोते करेंगे वो सोते होने के बाद अंदर ऐड करके इसका जो है स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे यहाँ पर हमारा प्याज है ये लाइट गोल्डन सा लोग दे सकते हैं सोते या लाइट गोल्डन ये हो चुका है अब इसको हम लोग जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसको हम लोगों ने जग के अंदर ऐड कर दिया इसका पेस्ट बना लेंगे साथ ही ऑयल के अंदर हम लोग चिकन ऐड कर देंगे और चिकन को जो है हम लोग तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर जो है वो चेंज नहीं हो जाता चिकन का कलर चेंज होने तक इसको हम लोगों ने फ्राई करना है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चिकन का जो है कलर चेंज हो चुका है इसका हम लोगों ने कलर चेंज हो जाता है कि सिर्फ फ्राई किया है इस तरह करने से इसका जो है फ्लेवर बहुत अच्छा आता है आप लोग भी चिकन को इसी तरह से फ्राई किया करें तो चिकन को तो यहाँ पे हम लोगों ने फ्राई कर लिया है जब उसका कलर चेंज नहीं हो जाता तब तक इसको फ्राई कर लिया है अब हम नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं इसके अंदर जो हम लोगों ने पेस्ट रेडी किया है ये ऐड कर देंगे और इसको हम लोगों ने अच्छी तरह से भून लेना है बुनाई के मामले में आप लोगों ने बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना इसी की बुनाई बहुत ज़्यादा मैटर करती है तो बुनाई से बहुत अच्छी खुशबू भी आती है टेस्ट भी बुनाई की वजह से बहुत ज़्यादा अच्छा आता है इसलिए बुनाई के मामले में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना किया करें स्पाइसेस ऐड करने के स्पाइस अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा ज़्यादा स्पाइसी पसंद हो स्पाइसेस ज़्यादा कर लें बाकी जो स्पाइसेस है वो आप लोगों पे डिपेंड करते हैं तो यहाँ पे चिकन के पाँच हजार में हम लोगों ने अच्छी तरह से जो है बुनाई कर लेनी है इसी तरह अगर आप मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल तो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें इससे आपको मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा और प्यार कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा आपको कमेंट करके मुझे बहुत खुशी होती है इसी तरह अपने प्यार बार फीडबैक कमेंट्स जरूर मुझे देते रहें और मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे इसको और भूनेंगे ताकि जो मसाला ये ना जले तो थोड़ा थोड़ा पानी आकर के इसको पाँच से सात मिनट हम लोगों ने जो है चिकन को इसको भून लेना है इसकी जो है इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी पाँच से सात मिनट इसको भूनने के बाद अब इसके अंदर हम चने की दाल को ऐड कर देंगे इसको हम लोगों ने याद रखे कि, कि दो घंटे पहले भी होकर रखा चने की दाल को और मसरा की दाल को एक घंटा पहले भी होकर रख लिया था इसके अंदर मसरा की दाल ऐड करके इसका जो टेक्स्चर जो है वो बहुत अच्छा और थिक आता है आप लोग भी जो है ये मसला की जो दाल होती है ये इसके अंदर ज़रूर ऐड करें इससे इसका टेक्चर जो है बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट में भी ये और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगी आप लोग जो है इसको ज़रूर ऐड करें क्या इसको अच्छी तरह से हम लोगों ने मिक्स कर लेना है तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम लोग जो पाँच छः हरी मिर्चें हैं इसको हम लोगों ने इस तो तरह से कट कर लिया है और इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे साथ ही इसके अंदर हमें पानी ऐड कर देना है वह पानी इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे तकरीबन वन एंड हाफ़ लीटर के करीब और इसको जो है बॉईल आने तक का वेट करेंगे उससे पहले जो है हम लोग इसको प्रेशर नहीं लगाएंगे तो इसको जो है बॉईल आने का इसमें वेट करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर बॉईल आना स्टार्ट हो चुका है इसको हम लोग को प्रेशर लगाना है वो प्रेशर लगाना है इसको हम लोगों ने तकरीबन दस मिनट का दस मिनट के अंदर जो है तो आप जो है दस से बारह मिनट तकरीबन इसको हम लोग प्रेशर कुकर फ्रे लगाएंगे उस दाल और गोश अच्छी तरह से गल जाएगा दस से बारह मिनट यहाँ पर हम लोगों ने प्रेशर कुकर लगा लिया है और आप लोग देख सकते हैं चिकन कितनी अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है अब इसके अंदर हम लोग ये हरा धनिया जो है ये हम लोगों ने बिल्कुल फाइन चॉप किया ये ऐड कर देंगे और चलेंगे अपने फाइनल लुक की तरफ तो माशाल्लाह से यह हमारी बहुत ज़्यादा टेस्टफुल बहुत ही मज़ेदार माशाल्लाह से बहुत ही थिक टेक्सचर की चिकल दाल चना रेडी हो चुकी है उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी रे होगी रेसिपी अच्छी लगी रे वीडियो को लेकर शेयर जरूर कीजिएगा कमेंट करना ना भूलिएगा तो मुझे दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें कमेंट में जो फीडबैक से ज़रूर आगा करें अला फ़ेस